आज हम लोग देखेंगे सैमसंग टॉप लोड का जो वॉशिंग मशीन आता है उसमें DE का जो एरर कोड आता है उसको हम किस तरह से चेक करेंगे, ये चीज़ मूल मेन रूप से हमको DE का एरर कोड उसको कैसे सॉल्व करना है और आप आ रहा आपके वॉशिंग मशीन में। तो यहाँ पर 4E का एरर कोड, इससे पिछला वीडियो में पूरा डिटेल्स में बतलाया है, उसका फिगर भी यहाँ पर आपको ये चीज़ आपको देखने को मिल रहा होगा अभी। तो यहाँ पर अभी देखेंगे हम लोग DE का एरर कोड। तो DE का जब भी एरर कोड आए तो उसको हम कैसे सॉल्व करेंगे। तो DE का पहले एरर कोड किस कारण से आता है ये पहले समझ लेते हैं। डोर स्विच प्रॉब्लम के कारण, यानी डोर स्विच जब भी खराबी आएगा तो आपको DE का एरर कोड आएगा। तो अब डोर स्विच में क्या क्या खराबी आता है कैसे समझेंगे। तो डोर स्विच में हमारा कहते हैं मेन सप्लाई हमेशा इनपुट होता है उसमें, यानी सप्लाई जब भी होता है गेट का बंद चालू करते हैं जो, तो उसमें कहते रहे कार्बन वगैरह लगा हो सकता है, जैसे दो वायर जुड़ता है ना आपको, एक इनपुट होता है एक आउटपुट होता है डोर स्विच से, सीरीज हमेशा जुड़ता है वो। तो दोनों सिरा फंस तक कार्बन आ रहा हो या फिर दोनों शॉर्ट हो हमेशा, या फिर गेट खोलने लगाने वहाँ पर यानी कि दोनों अधिकतर में आपको कार्बन ही जमा हो रहा है, या फिर उसका प्लास्टिक लगा होता है, यानी गेट जब हम खोलते हैं ना उसके प्लास्टिक के द्वारा वो अप एंड डाउन होता है डोर स्विच। ये चीज़ आपको देख लेना है वो मेरा सही है या नहीं है, टूटा हुआ तो नहीं है, यानी उससे अगर प्रॉब्लम रहेगा डोर स्विच से तभी आपको DE का एरर कोड आएगा, इतना जी समझ लें। और ज़्यादा पता नहीं चल रहा तो डायरेक्ट डोर स्विच को आप चेंज करेंगे तो आपको DE का एरर कोड एकदम सॉल्व हो जाएगा। और ये सैमसंग एजिम खास करके आपको DE का एरर कोड आते रहता है। और वीडियो पसंद आए तो चैनल सब्सक्राइब जरूर करिएगा।